सड़कें हो, पार्क हो, फ्लाईओवर हो, हाईवे हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल का सुधारीकरण हो, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम फरीदाबाद में हुए हैं और लगातार चालू हैं। आप एक सड़क की बात मत कीजिए, फरीदाबाद की सारी सड़कों की बात कीजिए कि कितनी सड़कों को अच्छा चलने लायक इस सरकार में बनाया गया है। इस सरकार से पहले हाईवेज की क्या हालत थी, हॉस्पिटल्स की क्या हालत थी, स्कूलों की क्या हालत थी, पार्कों की क्या हालत थी, पीने के पानी की क्या हालत थी। लेकिन मैं ये नहीं कहता सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में इन 6 सालों में हुए हैं, पिछले 50 सालों में नहीं हुए। जो सरकार सत्ता में होती है उसका दायित्व तो बढ़ता है पूरे देश को और शहर को मूलभूत सेवाएं देने का। सड़क भी एक उसका माध्यम है। मैं इस सड़क को आज से नहीं पिछले 6 महीने से जानता हूं। राम केवल जी 3 महीने 20 दिन इस सड़क को बनवाने के लिए धरने पर बैठे रहे। यदि हम फरीदाबाद के आज हालात देखें, फरीदाबाद जिसका नाम इन्होंने पिछले साल स्मार्ट सिटी दिया था, फरीदाबाद जैसा डर्टी सिटी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा डर्टी सिटी है तो फरीदाबाद है। ना इसमें सड़क है, ना ढंग से पानी है, ना बिजली है। सुबह सुबह जब आप नहाने जाते हो तो आपका खारा पानी सबसे पहले स्वागत करता है। सरकार बताए 7 साल में कितने मिट्टी वेल मीठे पानी के लगवाए, और जितनी भी कॉलोनियां बसी हुई उनमें पानी है नहीं। अब जैसे गर्मी बढ़ेगी पानी का हाहाकार मचेगा। पिछले 6-7 साल से लगातार मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे मनोहर लाल जी हरियाणा में चहुमुखी विकास तेजी के साथ कर रहे हैं। फरीदाबाद की सूरत बदल रही है। पिछले 6 सालों में जो फरीदाबाद में हुआ है कभी इस फरीदाबाद ने होते हुए देखा नहीं। सड़कें हो, पार्क हो, फ्लाईओवर हो, हाईवे हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल का सुधारीकरण हो, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम फरीदाबाद में हुए हैं। देखिए 7 साल में मुझे तो लगता नहीं कोई नया हॉस्पिटल बने हैं। इतना जरूर है, मान लो कोई हॉस्पिटल था उसमें कोविड के अलग बेड बना दिए, जैसे ESI है और बी के हॉस्पिटल है, अलग से रूम कोविड के बना दिए। नई बिल्डिंग कोई भी कोविड के लिए फरीदाबाद में तैयार नहीं। और आज फरीदाबाद के अंदर हर हॉस्पिटल में किल्लत है, मरीज मर रहे हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, क्योंकि ना तो वहां बेड है और ना ही वहां ऑक्सीजन है।